के साथ ये जो ड्रेस है यहाँ पर लिखा है पर्पल, बट ये पर्पल का एकदम मतलब डार्क वाला पर्पल है। तो इस वाले का प्राइस साइज M। ये एक ब्लू कलर का ड्रेस मंगवाया था मैंने, इतना लेते थे, अब 5 रुपए ले रहे। वेरी गुड फ्लिपकार्ट, आई एम इम्प्रेस्ड। सभी का स्वागत है मेरे चैनल पे। आई होप आप सब बहुत बढ़िया होंगे और आप लोगों ने मेरे चैनल को अब तक सब्सक्राइब कर ही दिया होगा। अभी तक नहीं किया तो जल्दी से कीजिए, और अगर चाहते हैं तो मुझे इंस्टा पे भी फॉलो कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको नीचे मिल जाएगा, तो वहां पर भी जाके फॉलो कर देना। तो गाइस, मैंने अपने कम्युनिटी पे आप लोगों से पूछा था कि ड्रेस हॉल बनाओ या फिर इयररिंग्स, और आप लोगों ने आप लोगों ने ज्यादा वोट किया है ड्रेस हॉल पे। तो मैंने ये फ्लिपकार्ट से और मीशो से थोड़े बहुत कपड़े मंगवाए हैं, उसी का ये हॉल वीडियो भी बोल सकते हो। ये मेरा पहला हॉल वीडियो है, शायद नहीं, सच में मैंने इससे पहले ऐसा वीडियो बिल्कुल कभी भी नहीं बनाया, तो ये मेरा पहला है। और इनमें से 2-3 मैंने खोल के देखे हैं, इसीलिए क्योंकि मैं आप लोगों के सामने अनबॉक्सिंग करना चाहती थी, बट क्या हुआ, सारे के सारे मैंने एक साथ दिए थे, 1-2 दिन आगे पीछे हुआ, बट ये आ गए थे 1 हफ्ते पहले, उसके 2 दिन बाद ये आ गए, और फिर उसके बाद ये सब आने लगे धीरे धीरे, और आज को एक आया है। तो मैंने सोचा नहीं, अभी जल्दी जल्दी वीडियो बना देती हूँ, अगर गलती से भी खराब कपड़ा आ गया या फिर कुछ फटा वटा तो मैं वापस नहीं कर पाऊंगी, इसीलिए मैंने जो पहले आए थे, 1 हफ्ता होने वाले थे, तो मैंने ये 3 खोल के देखा है, और शायद बाकी नहीं खोला है मैंने। तो गाइस, सबसे पहले आते हैं ये मीशो का पिंक कलर का जैकेट, जो मैंने पहले खोल के देखे है, फिर भी और एक बार आप लोगों के सामने मैं खोल रही हूँ। तो ये इसमें आया था, और ये ऐसा है, और अंदर देखते हैं इसका कपड़ा वपड़ा कैसा है। तो ये पिंक कलर का जैकेट है, कपड़े की क्वालिटी की बात करूं तो ठीक ठाक ही है, और इसका प्राइस है 100 में ऐसे कपड़े थोड़े मिलते हैं, 259 में। अब इससे अच्छा अगर मैं कुछ और एक्सपेक्ट करने भी जाऊँ ना तो मेरे को पाप लगेंगे, और मीशो पे अच्छे कपड़े आपको कम दाम पे सिर्फ मतलब वहीं पे मिलने वाला है। अभी फ्लिपकार्ट पे भी मिलता है, बट मीशो पे ज्यादा मतलब बहुत ज्यादा कम में होता है। तो ये पिंक में है, उसके बाद ये एक ब्लू कलर का ड्रेस मंगवाया था मैंने, ये ब्लू, ये मेरे को अच्छे ही लगे, सॉरी ये मैंने ही मंगवाया है, बट ये मेरे को गिफ्ट में मिला, मेरी एक दोस्त है उसने बोला, वो मेरे को गिफ्ट देने वाली थी, तो उसने बोला अगर तुम्हें कुछ चाहिए तो बोलो, मैंने फिर बोला मेरे को ये चाहिए, फिर उसने बोला तुम खुद ही मतलब क्या कर लो, मैं पैसे पे कर दूंगी, तो पैसे उसने पे की है, और ये मतलब फ्लिपकार्ट से मैंने ऑर्डर किया है ये वाला ड्रेस, और इसका प्राइस है, कहा गया प्राइस 430, ये फ्लिपकार्ट से मंगवाया था। तो ये वाला है फ्लिपकार्ट से, और इसकी कपड़े की बात करूं तो ये मतलब कुछ ऐसे खींचने पे जो लंबा होता है, क्या बोलता है उस कपड़े को, क्या बोलता है, अच्छा आप लोग कमेंट में बताना, ओके मैं भूल गई अभी, अब इतना दिमाग पे मेरे को प्रेशर नहीं डालना। तो ये इसका मतलब इस टाइप का कपड़ा है, तो बॉडी में पूरा चिपक जाएगा। तो ये अगेन मैंने ड्रेस मंगवाई थी, और ये मीशो से है, और इसका प्राइस है, कहा गया प्राइस, इसका प्राइस है 326 इस वाले ड्रेस का। और जब मैंने ये खोला था मेरे मुंह से सिर्फ वाव ही निकले, क्योंकि ये मुझे बहुत ज्यादा पसंद आया, क्योंकि मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि ये इतना अच्छा आएगा। मीशो थैंक यू सो मच। और ये ड्रेस ये है, और साइड में मैं आपको पहन के दिखा ही रही हूँ, तो ये भी M ही है, मेरे सारे कपड़े M में ही है। तो ये गया तीसरा कपड़ा, वो गया, अब इसके बाद आते हैं इस वाले पे, और इस वाले का प्राइस क्या है, तो इस वाले का प्राइस साइज M, यहाँ पे प्राइस नहीं लिखा है गाइस, अभी मैं जिस फोन पे शूट कर रही हूँ उसी फोन से मैंने ऑर्डर किया था, तो देख के बताना पड़ेगा, मैं यहाँ पर लिख दूंगी, तो इसका प्राइस तब आप लोगों को दिख ही जाएगा। आप इसको खोलते हैं,
ये ब्लैक वाला टॉप। हाँ तो ये सबसे पहले मैंने यही मंगवाए थे बट ये आखिर में आज आया है। ये जो मतलब ये जो सारे कपड़े हैं ये सब मैंने बाद में मंगवाए, ये सबसे पहला ऑर्डर था और ये अब आ रहा है। अभी टॉप देखते हैं अंदर कैसा निकलता है। नाइस, वाओ, सो क्यूट यार। ये मैंने अभी तक पहने नहीं है बट पहनने के बाद अच्छे लगेंगे शायद। तो ये भी खींचने पे जो लंबा होता है वैसा वाला कपड़ा है। उसी के साथ अब आते हैं इस वाले पे। इस वाले पे प्राइस लिखा है कि नहीं? इस वाले पे भी प्राइस नहीं लिखा, ये भी मीशो से ही है। तो ये एक हुडी है, यहाँ वहां पर हुडी लिखा था मुझे याद है। हाँ बट यहाँ का प्राइस मेरे को नहीं मिल रहा है। हाँ तो इसका प्राइस है 340 और इसका नाम है, नाम भी नहीं लिखा, बस यहाँ पे लिखा है SKU। अंदर देखते हैं। वाओ, 340 पे ये मिला मेरे को। गाइस कैन यू बिलीव, ये बहुत ज्यादा भारी है। ये विंटर के लिए एकदम मस्त कपड़ा है। देखो अंदर में भी मतलब ठंड नहीं लगेगी यार। मेरे को तो बड़े अच्छे अच्छे कपड़े मिले मीशो से। ओह नाइस यार, कूल लग रही हो ना मैं। मेरे को इससे बहुत ज्यादा प्यार हो गया है, मैं इसे नहीं खोलने वाली। आगे की वीडियो ऐसे ही कंटिन्यू करते, बड़े मजे आ रहे हैं मेरे को पहन के। तो ये जो, हाँ पहले ही बता देती हूँ, ये दो जो आप लोगों को दिख रहा है ये अभी खोलना बाकी है। इन दोनों में कपड़ा नहीं है एक्चुअली, इन दोनों में बैग्स है। तो मैं बैग्स दो एक साथ लाए तो सोचा यहीं पर अनबॉक्सिंग कर ही देती हूँ ड्रेस के साथ। वैसे ये वाला बैग मैंने देख लिया था क्योंकि एक हफ्ते पहले ही आ गई है, इसलिए मतलब आ गई थी। तो ये वाला बैग है ब्लैक में, ब्लैक। वाओ, ना 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 ना, ओहो हो, ये वाला बहुत ट्रेंड में चल रहा है अभी, इसलिए मैंने मंगवाया। और ऐसा मेरे को चाहिए था 289, तो ये 289 में मेरे को ये बैग मिला जिसका यहाँ पर एक लॉक का ये दिया गया है। अंदर हमें बहुत सारे प्लास्टिक मिलते हैं, इसमें और भी थे जब मैंने अनबॉक्सिंग की थी तो मैंने और निकाल के फेंके, तो इसमें आपको पैसे अंदर नहीं मिला, मतलब नहीं मिलने वाला, मेरे को भी नहीं मिला। और इसके साथ ये चेन, बहुत लंबी चेन है यार। तो ये वाला बैग, इसमें आएगी मेरी लिप बाम और क्या आएंगे, मस्कारा और एक इतना सा लोशन और क्या, और वैसलीन, और कुछ भी नहीं आने वाले इसके अंदर, ऐसे बैग खाली रहेंगे। हाँ और इसमें चॉकलेट जरूर रहेंगे मेरे। तो या दिस इज द बैग, एंड ये भी एक बैग है, इसको भी खोल के देखते हैं। इसका प्राइस 179 बट मेरे से तो 184 लिया। हाँ 5 रुपए डिलीवरी चार्ज। वाओ, अभी 5 रुपए लेते, पहले कितने लेते थे, 40-50 इतना लेते थे, अब 5 रुपए ले रहे। वेरी गुड फ्लिपकार्ट, आई एम इम्प्रेस्ड। तो अभी बैग देखते हैं अंदर कैसा आया। हाँ तो इसका प्राइस है 184 क्योंकि 5 रुपए आपको देने ही पड़ेंगे। हाँ तो इसका कलर है व्हाइट में, एंड अच्छा ही आए सारे प्रोडक्ट इस बार मेरे किस्मत में अच्छे आए और बहुत दिनों से अच्छे ही आ रहे हैं। तो मेरे को लगा ये फटाफटा है बट नहीं है, बस ये इसका स्टिकर है, नंबर है 8। तो मिल गई है मुझे मेरी दो दो बैग और मेरे सारे कपड़े। तो गाइस आप लोगों को मैंने दिखाया खोल के और पहन के और बताया कौन से का प्राइस कितना है और क्या। हाँ शायद इसी को हॉल वीडियो कहते होंगे या नहीं, हमको नहीं पता। बस हॉल वीडियो मैंने बहुतों की देखी है, कपड़े को ऑर्डर करते हैं और फिर उसको अनबॉक्सिंग करते हैं, पहनते हैं, उसकी क्वालिटी बताती है, आप लोगों के सामने दिखाती है। और ऐसा ही मतलब अभी मैं नई हूँ, सीख रही हूँ, ऐसे ही बनाते होंगे शायद। तो आई होप आप लोगों को अच्छा लगा होगा देख के, और अभी जो ये बिखरा हुआ है ये सबको मतलब समेट के, मेरे को बिल्कुल अच्छा नहीं लगेगा।
तो कोई बात नहीं, इट्स ओके। सो यही थे जो जो मैंने मंगवाए थे और आप लोगों के सामने मैंने अनबॉक्सिंग की। कुछ मैंने पहले ही खोले थे, हालांकि वो मतलब मेरे को चेक करना था अच्छा आया कि बुरा। अगर अच्छा आया और अगर रिटर्न मतलब करने का टाइम अगर चला गया तो मेरे पैसे ऐसे ही बर्बाद होंगे और मैं इतनी अमीर हूं नहीं फिलहाल, तो इसीलिए मैंने कुछ पहले खोल दिए थे। तो आई होप आप लोगों को अच्छा लगा होगा देख के वीडियो। अगर अच्छा लगा तो लाइक करना, कमेंट में बताना एंड शेयर करना, सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल मत भूलना। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए।